हमारा जलाया गया स्टूडियो, अब हम लोग तुमको जलाएंगे। तब तक दूसरी मुझे धमकी आती है कि तुम्हारा हाथ पर काटेंगे। डरावनी धमकी मुझे आ रही है साथियों, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। लंबी जिंदगी जीने से बढ़िया कि मैं चार दिन की जिंदगी जीऊं, शान से जीऊं महापुरुषों के नाम। जी साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुरक्षित नहीं हूं साथियों, आप लोगों से ये बहुत दुख के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी चीज का डर नहीं है और मुझे लंबी जिंदगी जीने से बढ़िया कि मुझे चार दिन जिंदगी जीना है, लेकिन शान से जीना है, अपने महापुरुषों के नाम जीना है। लेकिन मैं सुरक्षित इसलिए नहीं हूं साथियों कि आप लोगों को पता है कि पिछले 10 दिनों से मुझे तंग किया जा रहा है। एक मैं गाना गाया हूं, आया देश विक्रेता, उसी गाने पे हमको तमाम पिछले 10 दिनों से धमकी आ रही है कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें जो है कि गाने का जो शौक चढ़ा उतार देंगे। फिर जो है कि उसके बाद मुझे कई तरह के धमकियां आई, उसके बाद हमने तहरीर दिया थाने में, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत 3 दिन के बाद मेरे स्टूडियो को जलाया गया, लेकिन स्टूडियो मेरा से बचा, आगे का जो पोर्शन है सब जल गया था, झंडा डंडा और पोस्टर वगैरह जल गया। उसके बाद हमारे भीम आर्मी के साथियों ने मुझे मेरे मौके पर खड़ा होकर के तहरीर दिलाए, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन प्रशासन ने कहा कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, मेरे पुलिस विभाग के लोग आपका सुरक्षा देंगे, आपके पास जाते आते रहेंगे। लेकिन साथियों, मुझे अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद तब तक वो घटना शांत नहीं हुआ, तब तक मुझे फिर स्टूडियो के बाद मुझे फिर धमकियां आने लगी कि अभी तो तुम्हारा जलाया गया स्टूडियो, अब हम लोग तुमको जलाएंगे। तब तक दूसरी मुझे धमकी आती है कि तुम्हारा हाथ पर काटेंगे। डरावनी धमकी मुझे आ रही है साथियों, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। लंबी जिंदगी जीने से बढ़िया कि मैं चार दिन की जिंदगी जीऊं, शान से जीऊं महापुरुषों के नाम। इसलिए मैं साथियों आप लोग से निवेदन करता हूं कि मुझे कोई सुरक्षा नहीं है, और मेरे जब से मैं होश संभाला हूं तब से मैं लगातार बहुजन समाज के लिए मरता मिटता रहा, अपने महापुरुषों के संघर्ष जीवन को समाज में गीत के माध्यम से देता रहा। आज मेरे ऊपर संकट पड़ी है और मेरे पास कोई सुरक्षा करने के लिए लोग नहीं है, और मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि और कहता हूं कि क्या मेरा जब हत्या हो जाएगा तब मुझे सुरक्षा मिलेगा, तब आकर के आप लोग राजनीति करेंगे। साथियों, मैं इस बात को कह रहा हूं, आप लोग को बुरा ना लगे, लेकिन आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप मेरा सरकार मुझे सुरक्षा नहीं दे रहा है, तो आप मेरा सुरक्षा दें और मुझे जो है कि इस मनुवादी लोगों से बचाएं, और मुझे लंबा काम करना है समाज में। और मैं घर पे भी नहीं हूं, मैं स्टूडियो पे भी नहीं हूं, मैं बहुत ऐसी जगह पे हूं, मैं कैसे कैसे वीडियो बना करके आप लोग को दे रहा हूं, मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ है, मेरा लोकेशन लोग ट्रैक कर रहा है। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि मुझे आप लोग सुरक्षा दें और जो है कि मुझे आप लोग बचाएं। प्रशासन ने कहा कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, कोई सुरक्षा नहीं मिला प्रशासन की तरफ से। और साथियों, मुझे अभी डरावनी धमकी आ रही है कि मैं तुमको जला देंगे, तुमको जान से मार देंगे, तुमको जो है कि तुम्हारा हाथ पैर काट देंगे। तो उससे मुझे डर नहीं है, लेकिन यह है कि ऐसे लोगों को मुझे सबक सिखाना है, और मैं जो भी गलतियां किया हूं उसके लिए कानून मुझे सजा देगा। ये लोग कौन होते हैं मुझे सजा देने वाला? मैं गलती अपने समाज के लिए इस देश के हित में गाना गाया हूं, आया देश विक्रेता। अगर आप लोग नए होंगे यूट्यूब चैनल पे तो एक बार सुनिए उस गाने को कि आया देश विक्रेता गाना में क्या मैं गलती गाया हूं। उस गाने को आप लोग सुनिए और कमेंट कीजिए कि इस गीत में क्या खराबी है। इस गीत में मुझे मनवादी लोगों ने बोला कि तू मोदी को ऐसे बोल रहा, मोदी को ऐसे बोल रहा है, मोदी को चाय बेचने वाला बना रहा है, मोदी को जो है कि तुम ठग बना रहा है, मोदी को देश विक्रेता बना रहा है, तमाम तरह के मुझे लोग बोल रहे हैं। हमने कहा कि भाई ऐसा कि हमारे गीतों से अगर आपको आपत्ति है, अगर आपको दुख हो रहा है, तो आप कोर्ट का सहारा लें, मुझे धमकी ना दें, मुझे गालियां ना दें। तो मुझे तमाम तरह के चमार चिटकिट लोग मुझे बना रहे हैं। साथियों, मुझे इस चीज का गर्व नहीं है, मैं तो अपने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूं और इस देश का शासक मूल निवासी बौद्ध हूं, और मुझे बौद्धों के ऊपर शासन जो कि वो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, आप लोग मेरा सुरक्षा करें। आप लोग, मैं बहुत दुख के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं, मैं कैसे कैसे जल्दी जल्दी बातें कर पा रहा हूं, आप लोग समझ पाते होंगे। इसी के साथ आप सभी को क्रांतिकारी नव बधाई, जय भीम।